तो 15 साल की उम्र में एक दिन लगा कि खुद करके देखना चाहिए और खुद ही करना है, तो बस शुरू हो गए। और वो स्टार्ट लिया सबसे पहले तो वो लिया एक न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन से कि अखबार बेचते हैं। अच्छा। तो 45 रुपीज़ पर मंथ मिला करते थे अखबार बेचने के। ऑटो रिक्शा भी चलाया, वीडियो लाइब्रेरी भी चलाई, केबल टीवी भी चलाया, PCO चलाया, वीडियो गेम पार्लर चलाया, टीवी रिपेयर शॉप चलाई। इसके बाद बहुत सारे काम किए और वो काम करना कोई मजबूरी नहीं थी, टारगेट एक ही था कि मुझे अमीर बनना है। IPL लाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस है कि आप IPL लाना क्यों चाहते हो, ठीक है ना। लोगों को यही क्लैरिटी नहीं है, तो पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस तरफ जाना चाहते हैं और क्यों जाना चाहते हैं। अगर आपको वो क्लैरिटी है राइट, और आपके पास उस विज़न के हिसाब से बिज़नेस प्लान है और आप उस बिज़नेस प्लान को एग्जीक्यूट करने की ताकत रखते हैं, तो IPO कोई चैलेंज ही नहीं है। देखो, हारता वो है जो हार मान लेता है, करेक्ट। और जब तक आप हार नहीं मानते तब तक गेम ओवर नहीं होती। मर्सिडीज कार आज से 100 साल पहले जो आती थी, क्या वो कार आज चलेगी इस मार्केट में? चली नहीं सकती, करेक्ट। और अगर वो उसके साथ जिंदा रहेगा तो उसका वही हाल होगा जो एम्बेसडर का हो गया, जो नहीं बदला वो मर गया। ऐसी अगर बात करूं तो हम उस टाइम पे स्टेबलाइजर बनाया करते थे। आज हिंदुस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियों के जो AC चार्जर है ना, इट इज इक्वलेंट टू स्टेबलाइजर। दैट मीन्स एक स्टेबलाइज्ड पावर रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रिक व्हीकल की गाड़ी को चार्ज करने के लिए। मैं टेक्नोलॉजी के साथ बदल गया राइट। इसके बाद मैं इन्वर्टर बना रहा था, वही इन्वर्टर को मैंने सोलर इन्वर्टर कर दिया, वही इन्वर्टर को मैंने UPS कर दिया। UPS होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, होता उसमें भी इन्वर्टर है राइट। और इन्वर्टर होता है कि वो लाइट जाने के बाद चलेगा, तो उसके अंदर एक चेंज ओवर टाइम होता है, और UPS में चेंज ओवर टाइम नहीं होता। तो वो जो मुझे चाहिए उसकी बेंचमार्किंग मैंने कर दी और वो मैंने अचीव कर लिया। सिर्फ और सिर्फ मैंने ऊपर वो जो बेंचमार्किंग का जो लेवल था उसको चेंज कर दिया। तो आज मैं कुछ बहुत बड़ा सोच पा रहा हूँ, और हम आज जो सोच रहे हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी चार्जर की मैन्युफैक्चरिंग में हिंदुस्तान की टॉप 3 कंपनी में हमारा नाम होगा अगले 2 सालों में, ये तय है।